4 जून 2023 में आपके राशि अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं मेष राशि। प्रिय मेष राशि, आप में से कुछ लोग जीवन के लिए आध्यात्मिक व्याख्या की तुलना कर रहे हैं। आप सटीक रूप से ये इंगित करने में सक्षम होंगे कि चीजें कहाँ गलत हो रही है और कुछ आत्मखोज करके उन्हें कैसे सुधार जा सकता है। जैसे ही चंद्रमा मिथुन राशि में जाता है, अपने भीतर के शव के साथ जांच करना एक अच्छा विचार है। अगर आप खुद के साथ शांति में है तो कुछ ही समय में चीजें दिखाना शुरू हो जाएंगी। किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्यों के साथ एक खुली और ईमानदार बातचीत से आपको अपना दिमाग साफ करने और समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। लाल रंग आपके लिए शुभ रंग है। शाम के 5:30 से 6:30 के बीच का समय आपके लिए अनुकूल है, मतलब 5:30 PM से 6:30 PM आपके लिए बहुत ही लकी है। और रेड कलर भी आपका फेवरेट है, मतलब आज के लिए लकी कलर है रेड कलर आपके लिए। अब आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक, वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको सीधे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको अपने विचारों के बारे में सुनना शुरू कर देना चाहिए। आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है। आज का दिन है जब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज और अंतर्ज्ञान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना होगा। नारंगी रंग में कुछ अपने और अच्छे परिणाम के लिए शाम के 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित करें। मतलब नारंगी रंग आपके लिए आज लकी रंग होगा और 4 PM से 6 PM के कोई महत्वपूर्ण कार्य इस समय के बीच कीजिएगा तब आपके लिए अच्छा होगा, वृषभ राशि के लिए अच्छा होगा। अब आते हैं दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि के बारे में 4 जून 2023 में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपको क्रोधित कर सकता है। आप अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़े। आपको किसी बात को लेकर उकसाया जा सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। अपने विचारों को शांत करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। आपके मिथुन राशि के शाम के 7 से 8 बजे के बीच, मतलब 7 PM से 8 PM के बीच का समय आपके लिए शुभ है। ऑरेंज आज आपका लकी कलर है। ऑरेंज कलर आपके लिए आज शुभ है आपका, तो ऑरेंज कलर की कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं, मतलब कपड़े वगैरह कोई भी हो चीज आप पहन सकते हैं। 4 जून 2023 में कर्क राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर से आज आपके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। आज आप जो कुछ निर्णय लेते हैं वे शायद चीजें को उस तरह से बदल दे। अपनी कुशलता से सारे काम कर सकते हैं। करियर के अनुसार आगे बढ़े। आप आज सौभाग्य और भाग्य का आनंद लेंगे। किसी न किसी तरह से आपकी आय में अचानक वृद्धि हो सकती है। दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब दोपहर के 3 बजे से शाम के 4 बजे। व्हाइट कलर आपके लिए भाग्यशाली रंग है। आपके लिए व्हाइट कलर आज भाग्यशाली रंग है। आप व्हाइट कलर कोई भी चीज पहन सकते हैं आज। 4 जून 2023 में सिंह राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। आपको ऐसी स्थितियों में जाने से बचना चाहिए जो आपके असहज करती है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण करीबी दोस्तों के साथ छोटी यात्रा पर जाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन शानदार रहेगा।
आप आंतरिक शांति बनाए रखें, आज के दिन का अधिकतम लाभ उठाएं, परिवार के साथ बैठे, क्योंकि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब आप सभी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे के समय आपके लिए भाग्यशाली होगा। नीला आपका लकी कलर होगा, मतलब ब्लू कलर के लिए लकी होगा, और 10 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच, सुबह 10 बजे से मॉर्निंग के 10 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप ब्लू कलर का कोई भी ड्रेस आप पहन सकती है, आपके लिए अच्छा होगा। 4 जून 2023 में कन्या राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। प्रिय कन्या, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर आपको प्रेरित और रचनात्मक बना रहा है। खगोलीय शक्तियां आपके लंबे समय से भूले हुए लक्ष्यों की धूल उड़ा रही है और आपके गतिज को व्यापक बनाने में मदद कर सकती है। आप अपनी रचनात्मक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिन का उपयोग करने के इच्छुक हो सकते हैं। इन अद्भुत समयों को हल्के में ना ले, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या करना है। नारंगी रंग मतलब डार्क रेड, जो डार्क रेड होता है, में कुछ पहनने से सकारात्मक ब्रांडीय ऊर्जा को प्रसारित आकर्षित होंगी। मतलब आप अगर डार्क नारंगी रंग मतलब डार्क रेड का कुछ भी अगर आप पहनते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर खींच के आएगा। आपका जो भी आपका पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी जो शक्ति है वो आपके पास खींच के आएगा। तो डार्क रेड का कोई भी अगर ड्रेस हो तो पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे के बीच किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ समय माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 4 जून में दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे के बीच जो है, मतलब 2 PM से 4 PM तक के बीच कोई भी आप निर्णय लेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। 4 जून 2023 में तुला राशि के बारे में क्या बोला है, चलिए पढ़ते हैं। प्रिय तुला राशि के जातक, चंद्रमा की वृश्चिक राशि में स्थित से आप व्यक्तिगत और पेशेवर सभी पक्षों से दबाव महसूस कर सकते हैं। अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बने और चीजें के प्रति ईमानदार रहे। ये उच्च दबाव की स्थिति गुजर आएंगी और आप जल्द ही अपने जीवन के दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की भावना महसूस करेंगे, ऐसी एस्ट्रो की ज्योतिषी की उम्मीद है। फिरोजा रंग आप पहनने से आज आपको सोच सकारात्मक बनी रहेगी। मतलब फिरोजा रंग अगर आप पहनते तो आपका जो माइंडसेट है आपको बहुत ही पॉजिटिविटी होके रहेंगे। शाम के 7 बजे के मतलब 7:45 PM से 8:45 PM के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जाता है। 7:45 PM से 8:45 PM के बीच का जो समय है वो आपके लिए भाग्यशाली माना जा रहा है। चंद्रमा में वृषभ राशि में रहने से आप खुद को थोड़ा सा खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। पिछले समय में आपके जीवन में बहुत से ऐसे मुच्छे रहे हैं जिनमें आप व्यस्त रहे होंगे। वृषभ राशि किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा ना करें। इससे आप पहले आप अपना समय जरूर निकाल लें। अपना समय लेकर अच्छे से तय करें कि आगे क्या करना है। इसी के साथ आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ विचारों को व्यक्त करके स्पष्ट रूप से सोचने में मदद ले सकते हैं। इंस्टेंट परिणाम के लिए मतलब इंस्टेंट परिणाम के लिए दिन का सबसे भाग्यशाली समय शाम के 5 बजे से 6 बजे
शाम के 6 बजे के बीच है, मतलब 5 PM से 6 PM के बीच आपका बहुत ही भाग्यशाली है इस समय के बीच। आज के दिन के लिए लाल रंग आपका भाग्यशाली रंग है, रेड कलर आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग है। 4 जून 2023 में धनु राशि के बारे में क्या बोल रहा है चलिए पढ़ते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के साथ कोई भी पारिवारिक समस्या जिसका आप बहुत ही लंबे समय से सामना कर रहे हैं अब वो हल हो जाएंगी। इससे बात उनसे बात करें और संवाद करें, हर प्रकार की बात को खोलकर उनके सामने रखें। खुलकर बातचीत करना हमेशा काम करती है। उन चीजों का पीछा करके उनके साथ समय बिताए जिन्हें आप एक बात करना पसंद करते हैं। काम के मोर्चा पर आज आप अपनी सुधारने और अपने मन की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो लंबे समय में आपके करियर को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आज सफेद रंग आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा, व्हाइट कलर आपके लिए भाग्यशाली सफेद होगा। महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 10:15 AM से 11:15 AM के बीच का समय बहुत ही शुभ है। कोई महत्वपूर्ण अगर काम करना चाहते हो तो 10:15 AM से 11:15 AM के बीच का समय आप चुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा आपके। 4 जून 2023 में मकर राशि के बारे में क्या बोला है चलिए पढ़ते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण अगर आप परिस्थितियों से भागने पर विचार करते हैं तो सभी आपको है तो भी आपको ऐसा करने में ज्यादा सफलता नहीं मिल सकती है। अपना ध्यान बनाए रखें और उत्पादकता के निरंतर स्तर को बनाए रखने के लिए प्रयास करें। अपने निजी जीवन को भी अभी से दूर रखें और अन्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अभी आपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 5:40 PM से 7:07 PM के बीच समय आपके लिए लकी माना जा रहा है, मतलब 5:40 PM से 7 PM के बीच जो है 7:00 PM जो के जो बीच है वो आपके लिए लकी माना जा रहा है। 4 जून 2023 में कुंभ राशि के बारे में क्या बोला है चलिए पढ़ते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति है जिसके वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। प्रिय कुंभ, आप अपने अंतिम जीवन और करियर लक्ष्यों में संदर्भ से खुद को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि दोस्त परिवार धन प्रसिद्धि और सफलता आपके कदमों में हो, इसलिए आप अपने लक्ष्य को अच्छा ऊंचा रखना चाहते हैं। इसी के साथ योजनाएं बना रहे हैं। हालांकि आपको रास्ते में अपनी उपेक्षाओं को समायोजित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ आपको अपने सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए वायलेट रंग के वस्त्र पहने। वायलेट कलर का जो कोई भी ड्रेस आप आज पहनेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपका सौभाग्य आपके पास खींचे चले आएंगे। अच्छा, अगर आप वायलेट कलर के कोई वस्त्र मतलब ड्रेसेस अगर पहनते हैं तो कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि करने के लिए आपका 4:15 PM से 5:00 PM के बीच बजे का समय बहुत अच्छा है। 4 जून 2023 में मीन राशि के बारे में क्या बोला है चलिए पढ़ते हैं। मीन राशि वृश्चिक राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपको मूड में बदलाव होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। परंतु ये एक ऐसा समय है जब आपको सभी चीजों को एक क्रम में लाना होगा, इसलिए कोई भी गलत विचार को आपको अपने दिमाग में को नहीं आने देना होगा।
कोई भी गलत विचार को आपको अपने दिमाग में नहीं आने देना होगा। खुद पर भरोसा रखे, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ध्यान रखे, हमेशा कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कुछ दोष अपने और दूसरों में भी होते हैं। आपके दिन का सबसे भाग्यशाली समय होगा सुबह 10 o'clock AM से 11 o'clock AM का है। कोई भी काम करने के लिए इस समय को चुने। हल्का नीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। लाइट ब्लू, जो हल्का नीला होगा, लाइट जो ब्लू होगा, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा मीन राशि के लिए।